फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी फिश फ्राई। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 पीसेस फिश लिए हैं। आप कोई सा भी फिश ले सकते हैं। और अब इसको सीजनिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा यहाँ ब्लैक पेपर डाला है। अब हम डालेंगे गरम मसाला। इस गरम मसाले में मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर फॉर्म में डाला है। आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब डाला थोड़ा सा सॉल्ट एस टेस्ट। आप लेमन स्क्वीज करेंगे इस तरीके से। यहाँ हाफ लेमन मैंने यूज़ किया है। अब अच्छे से इसको आपको मिक्स करना है। मसाला याद रहे कि फिश के पीसेस में अच्छे से मिक्स लगना चाहिए इस तरीके से। अब 15 मिनट्स छोड़ने के बाद एक बार अच्छे से दोबारा मसाला आप मिक्स कर लीजिए। अब इसको करते हैं कोट। जी फ्रेंड्स, आपने शायद ही ऐसी कोटिंग कहीं देखी होगी। ये जो सूजी हमने प्लेन यूज़ की है, रोस्टेड नहीं है, और ये फिश को क्रिस्पी टेस्ट देगा, क्रिस्पी बनेगी इससे। और ये कोटिंग बहुत ही लाजवाब है। अब मैंने तीनों फिश के पीसेस को कोट कर लिया है। अब इसको हम हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। हल्का सा ऑयल डाल लिए और पहले हाई फ्लेम करना है, उसके बाद आप लो फ्लेम कीजिए और फिश के पीसेस को एक एक करके आप फ्राई पैन में रख दीजिए। और स्लो कुकिंग करनी है, यानी बहुत ही धीरे धीरे, ताकि इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत निखर कर आए, प्लस ये अंदर से भी जूसी और अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इसको पलट रहे हैं। देखिए इस तरीके से कलर काफ़ी खूबसूरत आ चुका है। देखिए अब बिल्कुल स्लो स्लो करना है। कई बार होता है कि फिश भी अपना ऑयल छोड़ती है, तो हम अगर हमें लग रहा है कि हमने कम ऑयल यूज़ किया, तो हल्का सा और आप ऑयल ब्रश से यूज़ कर सकते हैं। देखिए फिश फ्राई रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देने के लिए चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। देखिए और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही ईजी एंड क्विक रेसिपी है, और आप इसे किसी भी दावत में, छोटी छोटी पार्टीज में आप इसे ज़रूर इंक्लूड कीजिए और घर पे ज़रूर बनाइए। मुझे कमेंट कीजिए ये कैसी बनी है। तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलना। ठीक है, बाय।